हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। दिसंबर 2021 को आज पंडित दीनदयाल में लगाया गया कैंप दिव्यांग सशक्तिकरण के तहत। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे जो कैंप लगा है, आज उतने कैंप में कितने दिव्यांग भाई आए हैं और उन्हें किस तरह की जानकारी दिया जा रहा है उनके हक के लिए। हम यहाँ पर मालूम चला कि यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है दिव्यांगों को, जो है कि उनकी जो भी सहायता चाहिए उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसी के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। कुछ जानकारियाँ लेनी थी और कुछ अपनी बात को समझना था कि हमारा काम कार्य कैसे होगा। सरकारी सुविधाओं में हम लोगों को पेंशन मिलता है और जो हमारी ट्राईसाइकिल टूट जाती है तो उसके लिए वो मिल जाती है, अगर अप्लाई करने पर उसकी एक प्रक्रिया है, 3 साल में एक बार मिलता है। और हम मतलब बैसाखी अगर टूट गई तो बैसाखी के लिए अप्लाई करते तो वो मिल जाता है। और शादी विवाह का अनुदान है, दुकान का अनुदान, यही सब चीज़ों की जानकारियाँ हैं और उतनी नहीं है, और पूरी जानकारियाँ हमें नहीं प्राप्त है, हम नहीं हमको मिला है। और जितनी है हम लोग उतना जाकर पूछते हैं तो पता चलता है, तो हम अपना काम के लिए उस जब उस लायक हम रहते हैं तो भाई उसके लिए अप्लाई करते हैं। कुछ पेंशनर का पेंशन का भी कार्य है, उसके लिए हम समझने आए थे और हमको जानकारियाँ तो मिल चुकी है। अब हमारे पास पूरा पेपर नहीं है, पेपर लाएंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा। आप लोग के लिए कितनी योजनाएं हैं, किस तरह का है, कुछ पता है भी क्या क्या योजनाएं? तो मैडम है, लेकिन हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको जानकारियां हो नहीं पाती हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ तो गांव-गांव में कैंप लगता है और हर चीज़ तो आप क्या लगता है तो कैंप लगता है मैडम, कैंप लगता है, हम लोग जाते हैं जो हम लोगों को समझ में आता है, और जो समझने के साथ समझ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कैसे हमारा कार्य होगा। लेकिन जितना हम लोग को समझदारी अपने हिसाब से दौड़ धूप करके सर लोगों से पूछ के अपना काम करवा लेते हैं। आज यहाँ पे विश्व दिव्यांग दिवस है जो कि 3 दिसंबर को पड़ता है, जिसमें हम और हमारे साथ के कर्मचारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पांडेपुर में दिव्यांगजनों को प्रचार प्रसार, उनको कैसे पुनर्वासित करना है, उनके लिए क्या लाभ है, दिव्यांग से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना है और उनको सहूलियत प्रदान करवाना है जिससे वो आम पब्लिक के बीच में भी अपनी एक पहचान बना सकें और अपने कार्य उनको कैसे करना, ये सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना है और उनको सम्मान वितरण है, इन सब के बारे में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सी सुविधाएं हैं दिव्यांगजनों को, जितनी भी सरकारी सुविधाएं चलती है उसमें उनका परसेंटेज रहता है कि उनको इस क्षेत्र में उनके लिए इतना परसेंट है, पढ़ाई में है, लिखाई में है, रेल है, बस है, तमाम चीज़ें हैं। प्लस जो है जिनको दुकान चलानी है दिव्यांगजनों को, उनके लिए दुकान संचालन, दुकान निर्माण योजना, दिव्यांगजनों को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनको पेंशन देती है, उनकी कुष्ठावस्था पेंशन है, उनको कृत्रिम सहायक उपकरण है और उनका करेक्टिव सर्जरी चलती है, शादी विवाह प्रोत्साहन योजना है, सुगम्य भारत अभियान है, UDID कार्ड योजना है, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना है, इस टाइप की योजनाएं ही चलती हैं दिव्यांगजन में। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।